अदावत का मतलब जहांगीर जी, अदावत का मतलब है दुश्मनी, बेहया का मतलब होता है जिसको हया ना हो, बेहया का मतलब है जिसको हया ना हो, हया मतलब शर्म, जिसको शर्म ना हो। इमामत का मतलब क्या है, नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ाने को इमामत करना कहते हैं, नमाज पढ़ाने को चाहे मस्जिद में या मस्जिद के अलावा नमाज पढ़ाने को इमामत कहते हैं। क़ियादत कुछ नहीं होता फैसल शेख, क़ियादत होता है, क़ियादत के बजाय क्यों लिखिए, और क़ियादत का मतलब है अगुवाई करना, लीड करना, नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। रोदिल गर्दसों का कम्या मतलब है सर क्वाली है ना गर्दसों के मारे हुए, भैया वो गर्दिश होता है, गर्दिश गर्दसों नहीं होता शायर साहब, रोदिल शायर साहब गर्दिश होता है। शायरों की ज़बान तो बहुत शुद्ध होनी चाहिए मियाँ, शब्दों पे और उच्चारण पे ध्यान दो शायर साहब, तभी शायरी कामयाब होगी। गर्दिशों लाह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का, है ना, गर्दिश घूमना, चक्कर काटना, चक्र गर्दिश।